Hello viewers, this is Rashmi with another question of trigonometry. A question of exercise 8.3, question number is 4. If tan A equal to cot B, then prove that A plus B equal to 90 degree. तो यहाँ पे हमें जो question का hint given है वो है कि if tan A cot B के equal है तो हमें proof करना है कि A plus B 90 degree है. तो ये question का hint है कि यहाँ पे हमें कौन सा formula use करना है, कौन सी identity use करना है, क्योंकि अगर दो angle का sum 90 degree है, that means कि वो दोनों angle क्या है, complementary angle है. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, या तो आप A का complementary write करो या फिर आप B का complementary write करो, उससे क्या हो जाएगा, हमारा question proof हो जाएगा. तो first solution is given, first is given, given what, if tan A equal to cot B. तो हम tan A को दोनों में से किसी एक को चेंज करना है. ये मैंने आपको स्टार्टिंग से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के किए सॉल्व किए हैं, बार बार बताया है कि आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना है. दोनों को चेंज करोगे तो सिर्फ फिर से क्वेश्चन आ जाएगा. इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, हम टेन को चेंज करते हैं. तो टेन से रिलेटेड आइडेंटिटी क्या होती है, टेन ए इक्वल टू कॉट, टेन ए का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, कॉट 90 माइनस ए. तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 90 माइनस ए, और सेम कॉट ना कॉट ए हो जाएगा टेन 90 माइनस ए. तो हम यहाँ पे सिर्फ टेन को चेंज करें, इसलिए सिर्फ टेन का ही फॉर्मूला हमने राइट किया है. तो अब इस टेन की जगह पे हम क्या राइट कर सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए. तो यहाँ पे हो गया कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट बी. नाउ लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो गए, इक्वल. ये भी कॉट है, ये भी कॉट है, इक्वल है. इक्वल है मीन्स कि इनके एंगल क्या होंगे, इक्वल. तो हम अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, आफ्टर कंपेयरिंग 90 डिग्री माइनस ए, ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल तभी होगी, क्योंकि देखो कॉट तो कॉट के इक्वल है, तो सिर्फ एंगल एंगल भी इसका मतलब इक्वल होंगे, तभी तो ये इक्वेशन इक्वल हो रही है. तो इसीलिए हम कंपेयर करके क्या करें कि 90 माइनस ए इक्वल टू बी. अब हमें प्रूफ करना था ए प्लस बी 90, तो हम ये नेगेटिव ए को उधर ट्रांसफर कर देते हैं. तो 90 डिग्री इक्वल टू ए, नेगेटिव ए इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो ये हो गया 90 डिग्री इक्वल टू ए प्लस बी, हैंड्स प्रूव्ड. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं आप यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, आप उसको रीड कर सकें, स्टडी कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें. थैंक यू.